हेलो एवरीवन वेलकम टू माय न्यू वीडियो सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन के बारे में मैंने पार्ट्स ऑफ सेल्स की वीडियो ऑलरेडी बना दी सो जिसने भी पार्ट्स ऑफ सेल्स की वीडियो नहीं देखी वो पार्ट्स ऑफ सेल्स की वीडियो भी देख लेना सो लेट स्टार्ट टूडेज वीडियो सो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन प्रॉपर के बारे में और डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन के बारे में सो so, ये जो स्किन प्रॉपर है ये फर्दर डिवाइड है दो पार्ट्स में दैट इज ऐपीडर्मिस और डर्मिस देन एपीडर्मिस और डर्मिस फर्दर डिवाइड है एपीडर्मिस डिवाइडर तीन लेयर में कॉर्निफाइड लेयर ग्रैनुलर लेयर और जर्मिनेटिव लेयर देन डरमिस डिवाइड हैं इलास्टिक फाइबर्स में ब्लड वेसल्स में नर्व्ज में और एक्सेट्रा देन है डेरीवेटिव ऑफ़ द स्किन डेरीवेटिव ऑफ़ द स्किन मीन स्किन से निकली हुई और चीज़ें जैसे जो बच्चे हैं वो डेरीवेटिवज हैं अपने पेरेंट्स के चिल्ड्रन आर द डायरेवेटिव ऑफ देयर पेरेंट्स ठीक है ऐसे ही जो स्किन के डेरीवेटिवज हैं वो हैं हेयर्स नेल्स मेमोरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड एंड सेबेश ग्लैंड सो पहले हम बात करेंगे एपीडर्मिस के तीन लेयर के बारे में देन हम इनके बारे में बात करेंगे सो so, ये है हमारी स्किन के डायग्राम ये जो इतना सा पार्ट है ये है हमारा एपिडर्मिस का पार्ट एपिडर्मिस में जो तीन लेयर्स हैं वो एपिडर्मिस के एपिडर्मिस के इस पार्ट में ही होती हैं एपिडर्मिस जो आउटर इनर पार्ट होता है हमारी स्किन का उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस ठीक है सो so, फर्स्ट लेयर के बारे में हम बात करेंगे एपिडर्मिस की जो है कॉर्निफाइड लेयर जैसे हम जब हम अपनी स्किन को देखते हैं जो हमें स्किन दिखती है वो है कॉर्नीफाइड लेयर जो हम स्किन को देखते हैं ठीक है वो है कॉर्नीफाइड लेयर जो हमें स्किन दिखती है ना वो कॉर्नीफाइड लेयर है ये जो कॉर्नीफाइड लेयर है कॉर्नीफाइड लेयर में डेड सेल्स होते हैं कॉर्नीफाइड लेयर में डेड सेल्स होते हैं और कॉर्नीफाइड लेयर में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैराटीन सेल्स आर मेड अप ऑफ दिस प्रोटीन ये जो डेड सेल्स होते हैं ये कैराटीन प्रोटीन के ही बने होते हैं तो ये है हमारी फर्स्ट कॉर्नीफाइड लेयर सो so नेक्स्ट है हमारी ग्रैनुलर लेयर सेकेंड लेयर हमारी ग्रैनुलर लेयर है ग्रैनुलर लेयर के पहले हम हम थर्ड लेयर के बारे में पढ़ेंगे फिर हमें ग्रैनुलर लेयर समझ आएगी सो so अब हम पहले चलते हैं थर्ड लेयर के बारे में सो so हमारी जो थर्ड लेयर है वो है मेल्पीगियन लेयर उसे हम जर्मिनेटिव लेयर भी बोलते हैं मेलपीगियन लेयर है जो वो न्यू सेल्स को बनाती है ठीक है न्यू सेल्स को मेल्पीगियन लेयर बनाती है इट हैज़ द स्पेशल पिगमेंट कॉल melanin दैट इज द कलरेशन ऑफ द स्किन मेल्फिगन लेयर एक तो न्यू सेल्स को बनाती है ठीक है जब डेड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं फिर ये मेल्फिगिन लेयर के जो न्यू सेल्स हैं न्यू सेल्स फिर पार्ट ले लेते हैं कॉर्निफाइड लेयर में उसके बाद मेल्फिगन लेयर में एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मेलानिन मेलानिन मीन्स कलरेशन ऑफ द स्किन जैसे कहीं का जो स्किन का कलर होता है वो डार्क होता है जिस जिसके पास मेलानिन ज़्यादा होता है उनका जो कलर का स्किन है वो डार्क होता है और जिसके पास मेलानिन कम होता है तो उनका जो स्किन का कलर है वो फेयर होता है सो मेलफिक लेयर में एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मेलानिन ये इंपॉर्टेंट है सो तो इसको याद कर लेना अच्छी तरह से सो so, अब हम बात करेंगे ग्रैनुलर लेयर के बारे में हमने मेल्फीगन लेयर तो पढ़ ली सो so, अब हम बात करेंगे सेकेंड लेयर ग्रैनुलर लेयर के बारे में ग्रैनुलर लेयर का मेन फंक्शन है गिव्स अ पाथ टू न्यू सेल सो दैट इट कैन रीच टू कॉर्नीफाइड लेयर ये जो ग्रैनुलर लेयर होती है जैसे मेल्फिगन लेयर न्यू सेल्स को बनाती है मेन फंक्शन मेल्फिगन लेयर्स का क्या है वो न्यू सेल्स को बनाती है जब वो मेल्फिगन लेयर न्यू सेल्स को बनाती है तो ये जो ग्रैनुलर लेयर होती है वो ग्रे, ये ग्रैनुलर लेयर मेलफिगन लेयर के जो न्यू सेल्स होते हैं उसको एक पाथ प्रोवाइड करती हैं ताकि वो न्यू सेल्स कॉर्निफाइड लेयर तक पहुंच जाएं इसका मेन फंक्शन है कि मेलफिगियन लेयर के जो न्यू सेल्स होते हैं उनको एक पाथ एक वे प्रोवाइड करना ताकि वो कॉर्निफाइड लेयर तक पहुँच जाए ठीक है सो हमने एपिडर्मिस की जो फर्दर डिवाइड लेयर्स होती हैं कॉर्निफाइड ग्रैनुलर और जर्मिनेटिव उसके बारे में पढ़ लिया और इसमें जो मेन क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि कॉर्निफर लेयर में स्पेशल प्रोटीन का प्रोटीन का नाम क्या है कैराटीन और जो मेल्फिकल लेयर में स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट उसका नाम क्या है वो है मेलानिन और मेलानिन का मेन फंक्शन क्या है जिसके पास मेलानिन ज़्यादा होता है तो उसका जो स्किन का कलर होता है वो डार्क होता है और जिसके पास मेलानिन कम होता है उसका जो स्किन का कलर होता है वो फेयर होता है अब हम बात करेंगे स्किन प्रॉपर के डर्मिस के बारे में हमने एपिडर्मिस के तीन लेयर्स को पढ़ चुके हैं सो so, ये है हमारी डायग्राम स्किन की इसमें जो इतना सा पार्ट है ये है हमारा डर्मिस ये जो इतना सा पार्ट है ये है हमारा डर्मिस डर्मिस में इलास्टिक फाइबर्स होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं नर्व्स होती हैं ठीक है अगर हम कंपैरिजन करें एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में ये जो डर्मिस होती है ये थिक होती है ठीक है काफ़ी जगह ये थिन भी होती है बट ज़्यादातर ये थिक होती है जैसे कि हमारे पाम्स में सोल्स में ये थिक होती है और कुछ जगह जैसे कि हमारे आईलिड्स में डर्मिस जो होती है वो थिन होती है ये जो डर्मिस है ये थिक लेयर ऑफ कनेक्टिव मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स ये कनेक्टिव टिश्यू थी क्लियर होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की और कनेक्टिव टिश्यूज इलास्टिक फाइबर्स के बने होते हैं ये टफ होती है और फ्लेक्सिबल होती है और इसके पास ब्लड वेसल्स नर्व फाइबर्स और सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं अब हम बात करेंगे डायरेवेटिव ऑफ स्किन के बारे में हमने स्किन प्रॉपर ऑलरेडी पढ़ लिया है अब हम बात करेंगे डायरेवेटिव ऑफ़ द स्किन के बारे में सो डायरेवेटिव ऑफ द स्किन का पहला जो डेरिवेटिव है वो है हेयर हेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स ये जो हेयर है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है ठीक है फर्स्ट है हमारा हेयर शाफ्ट देन हेयर रूट एंड देन हेयर फॉलिकल अब हेयर शाफ्ट अपर पार्ट ऑफ स्किन और सम पार्ट ऑफ एपिडर्मिस ये देखो ये जो हमारा अपर पार्ट है स्किन का और कुछ पार्ट एपिडर्मिस का ये कुछ ऊपर वाला पार्ट और कुछ पार्ट एपिडर्मिस का यहाँ तक ये है हमारा हेयर शाफ्ट ठीक है फिर है हमारा हेयर रूट वैन एन एरिया गोइंग इन डेप्थ ऑफ डरमिस इज कॉल्ड हेयर रूट जब कुछ एरिया डर डेप्थ में जब एरिया नीचे को ऐसे जाता है ठीक है वो है हमारा हेयर रूट ये जो डेप्थ में जाता है डरमिस के एरिया वो है हमारा हेयर रूट ये है हमारा हेयर रूट ठीक है हेयर रूट हैव हेयर बल्ब विच हैव पेपीला और पेपीला हैव कैपिल ये जो हेयर रूट है हेयर रूट में पेपीला होता है पेपीला होता है ये है हमारा पेपीला हेयर रूट में पेपिला होता है और हेयर बल्ब होता है यहीं पे हमारा हेयर बल्ब है ये जो इतनी सी जगह ये है हमारा हेयर बल्ब और हेयर बल्ब के अंदर होता है पेपिला और पेपिला के अंदर जो होता है कैपिलरीज होती है मीन्स ब्लड की सप्लाई होती है नेक्स्ट है हमारा हेयर फॉलिकल हेयर फॉलिकल इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इंक्लोज हेयर रूट हेयर फॉलिकल एक स्ट्रक्चर है जो हमारे हेयर रूट को इंक्लोज करता है ये जो हमारा हेयर रूट है ये एक स्ट्रक्चर के साथ इनक्लोज है जो स्ट्रक्चर के साथ इनक्लोज है वो है हमारा हेयर फॉलिकल सो so, ये है हमारा हेयर फॉलिकल बॉक्स लाइक है क्योंकि इसने हेयर रूट को इनक्लोज कर रखा है वो है हमारा हेयर फॉलिकल इसे हम बोल सकते हैं हेयर फॉलिकल ठीक है हेयर कलर इज़ ड्यू टू मेलिन वैन दिस पिगमेंट मेलनिन इज लॉस देन हेयर बिकम्स ग्रीन कलर जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर मेलिन हमारे स्किन में ज़्यादा होगा तो हमारा जो स्किन का कलर होगा वो डार्क होगा अगर मेलिन कम होगा तो जो स्किन का कलर है वो फेयर होगा सो तो हो so, अब अगर हमारे हमारे जो बालों में मे भी पिगमेंट प्रेजेंट है मेलनिन अगर हमारे बालों में मेलनिन का जो पिगमेंट है अगर वो लॉस हो जाए तो हमारे जो हेयर्स का कलर है वो ग्रे हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास गूज फ्लैश समटाइम्स वी एक्सपीरियंस ग्लू गूज फ्लैश ड्यूरिंग सम इमोशंस लाइक सम एक्साइटमेंट देन इन दिस द हेयर इज लिफ्टेड कॉल पिलो इलेक्शन मोस्टली ऑफ हैंड्स ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यू मसल्स कुछ टाइम में क्या होता है हमें कुछ इमोशंस लाइक एक्साइटमेंट हो जाना या फिर हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाना तो क्या होता है हमारे जो बॉडी के बाल होते हैं बट ज़्यादातर जो हैंड्स के बाल होते हैं ना वो ना ऊपर को इरेक्ट हो जाते हैं सीधे खड़े हो जाते हैं जो सीधे खड़े होने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं, हैं पिलो इरेक्शन और वो क्यों होते हैं क्योंकि जो इरेक्टर मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाती है इरेक्टर मसल जो होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है तभी हमारे जो हैंड्स के बाल हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ स्किन के बारे में तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है नील नील हैज थ्री पार्ट्स नील के तीन पार्ट्स होते हैं प्लेट नेल रूट या फिर नेल बेड भी कह सकते और नेल मैट्रिक्स सो पहले हम बात करेंगे नेल प्लेट में बारे में जब हम अपने नेल्स को देखते हैं जो हमें पिंक दिखाई देता है वो है हमारी नेल पेट इस डायग्राम में ये है हमारी नेल प्लेट ठीक है ये हार्ड होती है ये और ये आउटर पार्ट में होती है और ये डेड सेल से बनी होती है नेक्स्ट है हमारी नेल पेड या फिर नेल रूट भी हम बोल सकते हैं ये नेल प्लेट के नीचे होती है नेल रूट यहाँ रही नेक्स्ट है नेल मैट्रिक्स ये हमारे नेल के बेस में सिचुएट करती है नेल मैट्रिक्स जब सपोज ये हमारा नेल है जब हम नेल की बात करेंगे ये जो हाफ मून बन रहा है ये जो हाफ मून बन रहा है ये भी एक्सटेंशन है नेल मैट्रिक्स की सो so, हमारा थर्ड डेरिवेटिव है स्किन का सेबेशियस ग्लैंड इट मेक्स सीबम दैट इज कॉल्ड ऑयली सीक्रेशन अवर सर्फेस ऑफ स्किन गेट्स ऑयली बिकॉज ऑफ सीबम ठीक है अब सेबेशियस ग्लैंड क्या है सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं सीबम को बनाते हैं सीबम मीन्स ऑयली सीक्रेशन, ठीक है ऑयली सीक्रिएशन जो हमारे स्किन का सरफेस होता है या फिर हमारी स्किन होती है वो ऑयली होती है क्यों क्योंकि हमारी स्किन में सीबम होता है सीबम का मतलब ही ऑयली सीक्रिएशन होते हैं उसके मेन फंक्शंस क्या हैं इसके इसका जो मेन फंक्शन है ये हमारी स्किन को ऑयली बनाता है और वाटर प्रूफ बनाता है इसके जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं सेबेस ग्लैंड के थ्रू वो है पिंपल्स सीबम एक्यूमुलेशन कॉज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया गेट्स इन्फेक्टेड एंड रिजल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ पिम्पल्स पिम्पल्स जब हमारे स्किन में सीवम एक्यूमुलेट करता है वहां पे क्या होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है ए हमारे स्किन का जो वो पार्ट होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है उसके बाद हमारे स्किन पे पिंपल हो जाता है सेकंड प्रॉब्लम है सैबेशियस ग्लैंड की एक्नी सैबेशियस ग्लैंड गेट्स इन्फ्लेम्ड ड्यू टू हॉर्मोनल इन्फ्लुएंस ये हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड है मींस जो ऑयली आइली सिक्रिएशन है सेबेशियस ग्लैंड मींस ऑयली सिक्रिएशन वो इनफ्लेम हो जाते हैं मींस स्वेल हो जाते हैं सू सूझ जाते हैं ठीक है सूजने की वजह कारण सेबेशियस ग्लैंड जब सूजते हैं क्युं? क्यों क्योंकि हमार हमारे जो हार्मोन्स होते हैं टीन में वो चेंज होने लगते हैं तभी हमें एक्नी की प्रॉब्लम हो जाती है सो हमारा थर्ड कॉमन प्रॉब्लम है सेबेशियस ग्लैंड की ब्लैक हेड्स और नोज मेलानिन और सीबम व्हेन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन ऑक्सीजन गिव्स ब्लैक हेड्स जब मेलानिन मेलानिन जो हमें हमारे बालों को कलर देता है और हमारी स्किन को जो कलर देता है वो सीबम ऑयली सीक्रिएशन जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन में तो ये ब्लैक हेड्स दे देते हैं तो ये थी हमारी तीन कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स सो फाइनली हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन पार्ट खत्म हो चुका है इसमें हमने स्किन प्रॉपर और डेरिवेटिव ऑफ स्किन भी पढ़ चुके हैं सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल